मुंबई के वकोला में एक नाबालिग लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में 16 साल की सोफिया शेख का कत्ल किया गया है। इस मामले में आरोपी को भागते वक्त लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आरोपी सोफिया के पड़ोस में ही रहता था। वाराणसी में सराफा व्यापारी के यहाँ हुई 10 करोड़ की डकैती में पुलिस के हाथ अभी कुछ नहीं लगा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी वीडियो में 6 डकैत दिख रही हैं। पहले एक व्यक्ति आता है, फिर पहले से ही अंदर मौजूद 5 बदमाश लूट के बाद गाड़ी पर सवार होकर भाग रहे हैं। यूपी के चित्रकूट जिले के मऊ में नेशनल हाईवे 76 के पास सरेआम बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो घायल की मदद करने के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहे मनोज कश्यप पर एक थाना प्रभारी को धमकाने का आरोप लगा है। थाना प्रभारी अब अपने ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। मामला जलालाबाद थाने का है। वहीं बीजेपी नेता मनोज कश्यप ने ऐसे किसी भी आरोप से इनकार किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शराब के लिए पैसे न देने पर एक बेटे ने अपनी ही माँ की हत्या कर दी। बेटे ने पैसे न देने पर माँ को बेरहमी से पीटा और फिर बुरी तरह से जख्मी करने के बाद आग लगाने की कोशिश की। महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यूपी के कौशाम्बी में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के दौरान एक व्यक्ति ने अपने ही भाई पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। ये वारदात कौशाम्बी के लोहदा गांव में हुई। वाराणसी के उदय प्रताप पब्लिक स्कूल के स्टाफ से उदय प्रताप डिग्री कॉलेज के छात्रों की गुंडागर्दी सामने आई है। स्कूल के टीचिंग स्टाफ को छात्र संघ के नेताओं ने धमकाया है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। स्टाफ के मुताबिक छात्र संघ के नेता चाहते हैं कि बच्चे वहीं से किताबें खरीदें जहां से छात्र नेता चाहते हैं। अभी तक आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के संभल में 4 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना हुई है। संभल के चंदौसी में हुई इस वारदात में आरोपी पड़ोस का ही एक व्यक्ति है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में मर्सिडीज पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहे एक रईस जादे को पुलिस ने पकड़ा है। शिव गुप्ता नाम का आरोपी नोएडा के सेक्टर 11 में अपनी कार पर लाल बत्ती लगाकर स्कोडा कंपनी के कर्मचारियों को धमका रहा था। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। उसने कुछ महिला कर्मचारियों से बदतमीजी की। पुलिस ने उसे और उसके एक साथी को हिरासत में लिया है। यूपी में टांडा के पूर्व एसपी विधायक अजीमुल हक का सिर कलम करने वाले को 20 लाख देने का ऐलान करने वाले सूर्यमणि यादव पर केस दर्ज हुआ है। सूर्यमणि यादव हिंदू युवा वाहिनी का नेता है।